इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मीरा महेंद्र को मिली बड़ी सौगात। रामदेव पार्क में दिव्य धम्म सम्राट अशोक बुद्ध विहार केंद्र का भव्य लोकार्पण हुआ। समारोह में राजनीति के सामने धर्म बौना नजर आया। जहां धर्म, शांति और ध्यान का आयोजन हो, वहां किसी दिव्य संत महात्मा के दर्शन के बजाय नेता ही नेता नजर आए, और वह भी वोटों की चीलगिरी करते हुए। इसलिए एक संभावित दिव्य कार्यक्रम का गुड़ गोबर होना स्वाभाविक था। राजनीति ने सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए सदैव धर्म सहित हर चीज को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है, और यहां पर भी वही देखने को मिला। ईश्वर यादव, मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए सोमवार बुद्ध पूर्णिमा का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि इस दिन मीरा भाईंदर को मिला भव्य मेडिटेशन सेंटर एवं बुद्ध विहार केंद्र, जिसके उद्घाटन के लिए शहर में दिन भर छोटे मोटे नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, नगर सेवकों, अधिकारियों आदि का तांता लगा रहा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका यानी MBMC ने मीरा रोड पूर्व के रामदेव पार्क में ध्यान विपश्यना बुद्ध विहार केंद्र का अनावरण किया। लेकिन यह सुंदर कार्यक्रम विकास कार्यों के इतर नेताओं के अहंकार और राजनीति का अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दिया। प्रमुख राजनीतिक दलों, भाजपा और शिवसेना के बीच विकास कार्यों का श्रेय लेने की जबरदस्त होड़ प्रतिस्पर्धा दिखाई दी। कार्यक्रम का आयोजन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप डोलन ने किया, और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती ज्योत्सना हसनाले थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल की कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति रही। विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के शुभ हाथों लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, लोकसभा सदस्य राजन विचारे, विधान परिषद सदस्य निरंजन दावखरे, विधान परिषद सदस्य रविंद्र फाटक, विधान परिषद सदस्य बलराम पाटिल, विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाइक, विधानसभा सदस्य गीता जैन आदि बतौर विशेष अतिथि उपस्थित रहे। दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इस ध्यान केंद्र उद्घाटन कार्यक्रम में वहां न तो कोई ध्यान कराने वाला नजर आया और न ही कोई ध्यान करते हुए नजर आया। अलबत्ता राजनीतिक भाषणों की खूब बारिश होती रही और कई धड़ों में बटी वोटर जनता ऑडियंस हुल्लड़बाजी और तालियों में ही मस्त रही। बुद्ध विहार के बाहर रोड के को चारों तरफ से घेर कर बड़ा पंडाल लगाया गया, जो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। इस बुद्ध विहार केंद्र में एक विशाल एसी हॉल है, जहां पर लोग ध्यान कर सकते हैं। उसके अलावा एक टॉम्ब बनाया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति विराजमान है, वहां पर भी लोग ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा एक पुस्तकालय है, कुछ छोटे छोटे 2-3 सभागार हैं, यहाँ पर छोटी छोटी लोग मीटिंग ले सकते हैं या उनको मेकअप रूम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा विशाल प्रांगण है, जहाँ पर हरी भरी घास से भरे हुए कुछ गार्डन है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मीरा भाईंदर की नहीं बल्कि पूरे मुंबई की सबसे बड़ी फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी का भी उद्घाटन हुआ। यह कार्यक्रम अपने पीछे उन गिद्धों जैसा अनुभव छोड़ गया है, जो किसी जानवर के मरने पर मांस पहुँचने के लिए उसके इर्द गिर्द पद लगाते हैं, और गिद्धों की यह भूमिका निभाई यहाँ के प्रमुख स्थानीय राजनीतिक पार्टियों और उसके नेताओं ने।
जिन्होंने इस शुभ अवसर का श्रेय खूब नोट कर और बेहद अफसोस इतने बड़े अवसर पर उन्होंने आपसी रईस वोट बटोरने की ओर से राजनीतिक पार्टी और उनके नेताओं की आपसी प्रतिद्वंदिता मारकाट और अधिक उभरकर सामने आई। एक साधारण सा विकास का काम क्या हुआ उसका श्रेय लेने के लिए पार्टियों के नेता गिद्ध बनकर टूट पड़े। उनको बार बार प्रोटोकॉल भंग हो जाने की याद आने लगी और कार्यक्रम उद्घाटन पत्रिका में ऐन मौके पर बदलाव करके आयुक्त ने प्रोटोकॉल भंग कर दिया ऐसा आरोप किया जाने लगा। कार्यक्रम आयोजक में आयुक्त की जगह महापौर का नाम क्यों नहीं आया इत्यादि इत्यादि। अरे भाई, निर्माण की आधारशिला किसने रखी कौन याद करता है? उस आधारशिला पर निर्मित भवन का उद्घाटन किसने किया और भवन के शिलालेख पर नाम किसका अंकित है सभी लोग उसको ही याद रखते हैं। खैर, होता ऐसा है कि सत्ता में जो होता है वही निर्माण की आधारशिला रखता है और अगली बार जब सत्ता किसी और की आ जाती है तो उद्घाटन भी वही करता है। कुल मिलाकर के सारा खेल सत्ता का, लेकिन महाराष्ट्र में लगता है कुछ नेताओं को सत्ता की ऐसी लत लग चुकी है कि वे उसके बिना नहीं रह सकते और आज जब वे सत्ता से बाहर हैं तब भी वे सत्तारूढ़ नेताओं जैसा दम्भी व्यवहार करते हैं और उनको सत्तारूढ़ नेताओं जैसा व्यवहार और सम्मान नहीं मिलता है तब उनकी खीज और खुन्नस और अधिक बढ़ जाती है। मसलन महाराष्ट्र में शिवसेना से हार खाकर विपक्ष में बैठे बेचारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुद्ध विहार के उद्घाटन के मौके पर इतना भव्य आयोजन करने के लिए मीरा महेंद्र महानगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोलकी ओले ओले करने के बजाय वह उन पर गर्म शोले बरसाते हुए ही नजर आए। अगर मान भी लिया जाए किसी प्रोटोकॉल के लिए आयुक्त दिलीप ढोले ने राजकीय शिष्टाचार के खिलाफ काम कर दिया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके खिलाफ सार्वजनिक छींटाकशी करके कौन सा महान काम कर दिया? जो काम दिलीप ढोले ने पीछे से किया वही काम फडणवीस ने आगे से कर दिया, फिर दोनों में फर्क क्या रहा? फडणवीस जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं और इसी तरह से कर्मठता से काम करते रहे तो आप आगे भी रह सकते हैं। भाई, मुख्यमंत्री की भी कोई गरिमा होती है, आप क्यों इन छुटवइए भ्रष्टन के चक्कर में फंसकर अपने आपको फंसा रहे हैं। दरअसल मीरा भाईंदर का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ स्थानीय निकाय तो जो हम बता हुआ है पालिका में बहुमत भाजपा का होने के कारण महापौर भाजपा का है तो राज्य की सत्ता की बागडोर अघाड़ी के हाथों में होने के कारण आयुक्त की नियुक्ति का विशेषाधिकार अघाड़ी सरकार का है, अर्थात विधायी शक्तियां विपक्षी भाजपा के पास हैं तो कार्यकारी शक्तियां अघाड़ी सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त के पास हैं। लेकिन इसमें पिस रही है बेचारी स्थानीय जनता यानी वोटर। तो भैया वोटर लोग, तुमको सोचना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में अब तुमको इस मीरा महेंद्र महानगर पालिका की भवन में किसको बिठाना है। अपने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मिस्टर क्लीन और मिस्टर करप्ट को के लोकल गुटों ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में जिस तरह से जमकर नारेबाजी की होड़ लग गई उससे भी इस पार्टी का की गुटबाजी का उभर करके सामने आया और इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि मिस्टर क्लीन और मिस्टर करप्ट के बीच में आने वाले दिनों में पार्टी की राह आसान रहने वाली नहीं है। धम्म सम्राट अशोकांचं नाव या ठिकाणी दिलंय। आपल्याला माहिती असेल की त्या सारनाथ मध्ये ज्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने भगवान गौतम बुद्धांचा विचार हा प्रसारित करण्याचं काम त्यांनी केलं, आज आपल्या तिरंग्या झेंड्यावर आपल्याला जे चक्र पाहायला मिळतं तेही सम्राट अशोकांचं चक्र आहे। महापौर समिति ज्योतिना हसनाले का कहना है कि परियोजनाओं के लोकार्पण हेतु उन्होंने तीन मूर्ति ही सम्राट अशोकांची दिलेली आपल्याला है क्योंकि इन परियोजनाओं की शुरुआत उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसके लिए भूतपूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने भी अथक प्रयास किए थे मगर एन मौके पर उनके निमंत्रण पत्र के ड्राफ्ट में बदलाव कर महानगर आयुक्त ने शिष्टाचार को भंग किया है और महापौर के अधिकारों का हनन किया। एक जिम्मेदार पद को संभाल रहे आयुक्त को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए
मगर उन्होंने जो किया उससे साफ जाहिर होता है कि वो राष्ट्रवादी शिवसेना कांग्रेस आधारित सरकार के मंत्रियों के बयान में आकर के उनकी बातें जारी कर उनके पक्ष में कार्य कर महापौर ने यही कहा कि उद्घाटन की जो सूची तैयार कर दी गई थी उसके मुताबिक फडणवीस के हाथों निमंत्रक के रूप में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया था, मगर उनकी निमंत्रण सूची में फेरबदल करते हुए मनपा आयुक्त ने रातों रात एक नया निमंत्रण पत्र तैयार करवा दिया, जिसमें उन्होंने उद्घाटक के रूप में देवेंद्र फडणवीस के साथ विरोधी पक्ष के और नेता प्रवीण दरेकर भाजपा से नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की सूचना गृह निर्माण मंत्री एनसीपी से के नाम को भी स्थापित कर, लेकिन इसमें कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं। आयोजन निमंत्रण के रूप में ज्योत्सना हसनाले की जगह दिलीप ढोले को और ज्योत्सना हसनाले को मुख्य अतिथि बना दिया। हालांकि इस विषय में जब दिलीप ढोले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया है वह प्रोटोकॉल के मुताबिक ही किया और प्रोटोकॉल कोई कमिश्नर नहीं बनाता बल्कि जिला कलेक्टर बनाता, यह उनके अधिकार क्षेत्र में। लेकिन ऐसा लगता है कुछ निहित स्वार्थी शरारती तत्वों द्वारा इसको ऐसे प्रचारित किया गया कि मनपा आयुक्त ने किसी बहुत बड़े गंभीर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिया हो, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में मन से आयुक्त दिलीप ढोले की जमकर खिंचाई करी, जिससे सुनकर लोग हक्के बक्के थे। उन्होंने इसको पक्षपात बताते हुए दिलीप ढोले पर जमकर निशाना साधा और उनको शासन और प्रशासन को साथ लेकर चलने की नसीहत दी। उन्होंने राज शिष्टाचार कायम रखने की सलाह देते हुए कहा कि अगर शहर के विकास की राह पर ले जाना है तो फिर प्रशासन को स्थानीय नगर सेवकों के साथ मिलकर चलना चाहिए और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनकी इन बातों से यह तो साफ हो गया है कि मीरा भाईंदर मनपा की सत्ता पर काबिज, भाजपा नगर सेवकों और मनपा एक दिलीप ढोले के बीच में आपसी तालमेल का संकट कितना गहरा। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।